बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल दिस इज योर फ्रेंड डॉग भाई। आज के व्लॉग में आप लोगों के लिए थार लेकर आया हूँ कार हेवन अशोक विहार से, जहाँ पे कि हम थार को पूरा इंटीरियर यहाँ पे हम रेडी करेंगे। इसका रेडी करेंगे, लेदर रैप होगा, सॉफ्ट कोटिंग होगी, हाइड्रो डिप होगा, काफी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा अपनी गाड़ी के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ी बात देखो, डोर पैनल वगैरह हम रेडी कर ही रहे हैं, आप लोगों ने हमारी काफी वीडियोस में देखा है। ठीक है, वो एक नॉर्मल बात है, आप लोगों को हम रोज दिखाई रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसकी रूफ देख लो, ये रूफ इसका सॉफ्ट टॉप है। ठीक है, मतलब कपड़ा है, लेदर है, जो भी कपड़ा टाइप होता है। ठीक है, इसका टॉप है, ये सॉफ्ट टॉप है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे हार्ड टॉप में। ठीक है, मतलब हम इसका जो है पूरा का पूरा जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम पूरा जो है हार्ड टॉप में कन्वर्ट करेंगे अभी ये। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों के लिए मज़ेदार, इस पूरी ब्लैक थार को हम वाइट में पूरा कन्वर्ट करेंगे। जी हाँ, इसको हम पूरी की पूरी यहाँ पे रैप करेंगे। ठीक है, अभी गाड़ी अपने पास आई ही है, फ्रंट से आप चेकआउट कर लो, अभी ये ब्लैक वर्जन इसका आपके सामने है। आने वाले टाइम में जो हम इसको पूरा का पूरा जो है चेंज करेंगे वाइट कलर में। ठीक है, सो अभी जितना आप देख पा रहे होंगे अपनी थार के अंदर ना, देखो सच्चा सच बताता हूँ, थार के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं आपको पता लग गया था, इसके हेडलैम्प्स हमने अभी चेंज कर दिए हैं, सिर्फ अभी हमने हेडलैम्प्स ही चेंज करे हैं, और उसके अलावा सारी सीट्स हमने यहाँ पे जो है खोल के इसकी रख दी है। सो मेक श्योर वीडियो में आगे बने रहिए, आपको बहुत अच्छी थार देखने के लिए मिलने वाली है, पूरी वाइट में हम इसको रैप करेंगे, बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे अपनी अपनी गाड़ी में काफ़ी सारा सामान हमने यहाँ से निकाल लिया है, डोर पैनल यहाँ से हमने अलग कर लिए हैं, डैशबोर्ड यहाँ से पूरा का पूरा रिमूव कर दिया है, स्टेयरिंग अलग है, ऊपर की सॉफ्ट टॉप है, इसको भी हम पूरा हार्ड टॉप बनाने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक देखें, अभी इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी और बहुत ज़्यादा डिफरेंट जिसे कहते हैं ना वो रहने वाली है, क्योंकि इसके ऊपर हम रैप भी करेंगे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और इंटीरियर भी बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल का दिखेगा आपको। सो नाउ इट्स अ डे टू, जिसमें कि हम अपनी गाड़ी के जो है काफ़ी सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे अलग अलग कर लिया है, बम्पर इसका अलग हो चुका है, फ्रंट की मैश अलग हो चुकी है, साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल जो क्लाइडिंग होती है पूरी हमने जो यहाँ पे अलग कर दी है, हमारी गाड़ी हो रही है पूरी रैप, फ्रंट का बोनट यहाँ पे रैप हो चुका है, साइड के डोर होने बाकी है, साइड में यहाँ पे मतलब पूरा रैप होना भी बाकी है। इसकी बात करूँ डोर टैंक की, अगर बात करूँ अपने फ्यूल टैंक के ओपनर की, तो इसको हमने अगेन फिर से वही बनाया जो हमने लास्ट टाइम किया था, इसको जो है आपको जैसे यूजुअली चाबी से खोलना पड़ता है, अब आपको चाबी से खोलने की नीड नहीं है, अंदर से बटन दिया है उसे दबा के आप इसको खोल सकते हैं, जो नॉर्मल कार्स में आता ही है, लेकिन थार में ये था इसका एक लूज पॉइंट था कि इसको हमको चाबी से खोलना पड़ता था हमेशा, लेकिन आज आपको जो है अब यहाँ पे आपको चाबी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से बटन मिलेगा जैसे नॉर्मल गाड़ियों में आता है ना भैया, वैसा हो गया अभी। ठीक है, और रू और रेयर की बात करें तो रेयर में हमारा जो है यहाँ पे रैपिंग का काम ऑलमोस्ट हमने कर दिया है पूरा, देख लो भैया ये रैप अपनी हमने, और रैप हमारी रहने वाली है एवरी टेंशन की रैप। अब हमारा जो है फेंडर यहाँ पे रैप होने जा रहा है, तो पहले मैं आपको इसको चेकआउट करवाता हूँ कि किस तरीके से हम जो है इसको रैप कर रहे हैं। अपना रैप का मेजरमेंट लिया था फेंडर का, उसी अकॉर्डिंग जो है अपनी यहाँ पे रैप पे हम कटिंग कर रहे हैं। पहले आपको रैप चेकआउट करवा देता हूँ, रैप नहीं रहने वाली एवरी टेंशन की, वेबसाइट भी यहाँ पे पूरी मेंशन की हुई है, इवन दिखाना भी वेबसाइट भी अपनी पूरी यहाँ मेंशन की हुई है। चलो भैया ये था अपने भैया, आप देखो मेजरमेंट लेके इसको कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक फेंडर पूरा रैप होते हुए, ऑल दो ब्लैक में तो अच्छी लगती है, नो डाउट बहुत कॉमन भी है। ठीक है, अपने पास बाहर एक और खड़ी है, बट वाइट में अलग ही नजर आएगी बिल्कुल। क्या बोलते हो पीयूष भैया, एक नंबर लगेगी। और यहाँ पे अपनी अब जब रैप को जो हम अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, यहाँ पे अपनी थार हमने पूरी तरह कर लिया रैप, मतलब जितनी रैप करनी थी हो गई है, ऑल दो रैप थार के अंदर इतनी ज़्यादा रैप होती नहीं है, मतलब होती है जितनी भी होती है, बम्पर वगैरह तो ब्लैक ही रहेंगे, इसके बम्पर हमने इसके पियानो ब्लैक, देख लो भैया पूरे बम्पर पियानो ब्लैक में हुए हैं, और ये इसकी पूरी गाड़ी को हमने यहाँ पे रैप कर दिया है, हेडलैम्प्स इसके आफ्टर मार्केट हमने यहाँ पे इंस्टॉल करे हैं, साइड के जो फेंडर होते हैं वाली ये भी हमने पूरी हाइड्रो डिप करे हुए हैं ब्लैक में। उसके बाद आपको गाड़ी अगर अंदर दिखाऊँ तो गाड़ी के अंदर आप देख पा रहे होंगे, आप चेकआउट कर लो, पूरी कस्टमाइज सीट्स है, और डैशबोर्ड अभी लगानी है क्योंकि डैशबोर्ड पे काफ़ी सारा काम होना है, डैशबोर्ड का पीस यहाँ पे कुछ कुछ पड़े हुए हैं, मैं आपको चेकआउट करवाया था,
ये अपना इंटीरियर का पार्ट है डैशबोर्ड का, जो स्पीडोमीटर के ऊपर का पार्ट होता है बेसिकली, इसमें ब्लोवर यहाँ फिट हो जाता है। तो ये पार्ट यहाँ पे रखा हुआ, अभी पूरी गाड़ी रेडी होनी बाकी है, काफ़ी सारे काम इस गाड़ी के अंदर होना बाकी है। मैं आपको इसका एक पार्ट और दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर का, जो कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये रे पार्ट जो कि यहाँ ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब फिटमेंट करनी स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर वीडियो रास्ता देखना, मज़ा आएगा इस गाड़ी को भी, इसका इंटीरियर जला जवाब होगा। साथ में वहीं अगर मैं आपको बताऊं, गाड़ी के ऊपर पहले आपने देखा था सॉफ्ट टॉप था इसका, अब इसका जो है हार्ड टॉप हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है पूरा। कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये आफ्टर मार्केट लगा है, पूरा जेन्युइन टी के साथ पूरा इसका काम हुआ है। ओके, अब हम बात करें यहाँ पे अपने हार्ड टॉप की। तो हमने ये कंपनी वाले की तरह सेम है, कंपनी वाला ही है, बट इसकी क्वालिटी उससे फार बेटर है। मतलब अब आप में से कई लोग बोलेंगे यार फार बेटर कैसे है, ये है वो है, इसकी आपको वारंटी भी मिलती है अपने यहाँ से। और देख लो भैया, कहीं भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है काम के अंदर, कोई इसी तरह की कोई फिनिशिंग में दिक्कत नहीं है। ऑल दो गाड़ी इस टाइम पे कैसे जग रही है वाइट में रैप, आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। बाकी अभी ये गाड़ी में काफ़ी सारा काम होना बाकी है, स्टिल अभी आएगा इसको, अभी लास्ट में आएगा असली मज़ा, जब मैं आपको ये पूरी गाड़ी ए टू जेड पूरी चेकआउट कराऊँगा एक साथ। सो यहाँ पे हुई अपनी कार पूरी तरह से रेडी और ये गाड़ी आपके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कमेंट करना है वीडियो को यहीं पे रोक के कि भाई गाड़ी कैसी लग रही है। अगर मेरे साथ पूछोगे तो गाड़ी एक नंबर यहाँ पे जो है लग रही है, वाइट सर्टन विद ब्लैक ग्लॉस में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं गाड़ी के बम्पर से, ठीक है। बम्पर की अगर हम बात करें, बम्पर हमने पूरा किया है हाइड्रो डिप करके, सो पूरा ग्लॉस ब्लैक किया है, जो नॉर्मल आता है वो एकदम फेडेड में आता है, ठीक है। ये इस टाइम पे पूरा प्रॉपर ग्लॉस ब्लैक में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको नीचे नज़र आ रहे हैं हमारे लेज़र प्रोजेक्टर्स, जो कि जिसके के थ्रू आपको काफ़ी सारी वीडियोस में ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ, प्लस और वीडियोस आपको दिखा दूंगा। चलो ये तो हो गया हमारे फ्रंट बम्पर के बाद, उसके बाद हम स्विच करें इसकी हेडलैम्प्स के अंदर। तो हेडलैम्प्स हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए, आफ्टर मार्केट हमने इसके अंदर हेडलैम्प्स इंस्टॉल किए जो प्रॉपर थार की आती है। ऑल दो थार की हमारे पास दो से चार डिज़ाइन आते हैं अलग अलग, वो डिपेंड अप टू कस्टमर, डिपेंड अप टू चॉइस कि किसको क्या पसंद है। उसके बाद से उसके हिसाब से जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, और साथ में उसकी फ्रंट की ग्रिल देख रहे हैं, ये भी हमने पूरी हाइड्रो डिप यहाँ पे करी है। ओके, पहले मैं आपको दिखाता हूँ उसके हेडलैम्प्स ऑन करके। सो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिए अपने हेडलैम्प्स, जिसके अंदर की अभी आपको DRLs नज़र आ रही है, हेडलैम्प्स ऑन कर रही है, इसके DRLs आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे लुक दे रहे हैं गाड़ी की फ्रंट लुक को। तो ये तो होगी हमारी गाड़ी की फ्रंट। अगर हम बात करें इसके साइड प्रोफाइल पे हम बात करें, इसके हमने हाइड्रो डिप यहाँ पे
अलॉयज हमने इससे कम्पलीमेंटेड है, जो उसकी जिसको कि हमने हाइड्रोटिप यहाँ पे किया हुआ है। साइड में जो एक थार छोड़ दिया व्हाइट कलर में, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा जो रैप है सर्टन वाइट, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको भी जो है छोड़ दिया मैचिंग करने के लिए। ऑल दो रनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी इसके जो फेंडर आप देख पा रहे होंगे, फेंडर के ऊपर ग्लाइडिंग आती है, इसको भी हमने प्रॉपर हाइड्रोटिप किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्लॉस में अच्छा लग रहा है उस टाइम पे। ठीक है, काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को भी वाइट कलर की थार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। ऑल दो इसकी जितनी भी फिटमेंट थी, साइड की बीडिंग हो गई जितनी भी, सबको हमने जो हाइड्रोटिप करके ब्लैक ग्लॉस में किया, और साथ में जो है इसका साइड में आप देख पा रहे हैं ये भी हमने पूरा हाइड्रोटिप यहाँ पे किया हुआ है। गाड़ी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है साइड प्रोफाइल से, अब आपको भी दिख रहा होगा। सबसे बड़ा मेन चीज़ पता है क्या इस गाड़ी का, हमारे रूफ़ पे हुई है, क्योंकि जो हमने इसकी करी है रूफ़ करी है हमने इसकी पूरी की पूरी हार्ड टॉप। फर्स्ट जब मैंने आपको दिखाई थी गाड़ी अनरील करते हुए, उस टाइम पे गाड़ी का सॉफ्ट टॉप थी एकदम, अब जो है गाड़ी आपको हार्ड टॉप में यहाँ पे नज़र आ रही है, और फिनिशिंग एकदम बढ़िया से हुई है इसकी, देख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको उसके रेयर पे ले रहा हूँ, तो रेयर पे भी हमने सेम चीज़ करी है, रिफ्लेक्टर इंस्टॉल करे हैं गाड़ी के अंदर, और रेयर का बम्पर भी हमने अगेन ग्लॉस ब्लैक में कर दिया हाइड्रोटिप में। साइड फेंडर भी, ग्लाइडिंग भी इसकी पूरी हुई है, जितना भी इसके आपके अंदर देख पा रहे हैं, जितना भी ब्लैक पोर्शन देख पा रहे हैं, सारा का सारा हाइड्रोटिप यहाँ पे किया गया है। तो ये पहली थार होगी जिसके अंदर की किसी ने इस तरीके का काम करके आप लोगों को दिखाया है, अगर आपने पहले भी देखा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। ठीक है, अब हम गाड़ी के अगर इंटीरियर पे मूव करें, इंटीरियर पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहली नज़र आती है हमारे डोर्स के ऊपर। तो डोर पैनल पे सबसे पहले आप देख पाएंगे वुडन हमने कर दिया है थार का लिखा हुआ पॉइंट को, उसके बाद हमने का पूरा हमने इसको लेदर रैप किया है, इस चीज़ आपको दिख पा रहे होंगे। डिपेंड अप टू चॉइस, डिपेंड अप टू कस्टमर टेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि इसको लेदर सॉफ्ट कोटिंग करानी तो उसको लेदर सॉफ्ट कोटिंग भी करा सकते हैं, जिसमें कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका कलर जो है आपने चेंज किया। ऑल दो यहाँ पे नीड थी लेदर की, तो लेदर से इसको अच्छे से रैप किया गया, डबल स्टिचेस आपके सामने हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसके अंदर एम्बिएंट लाइट की, तो एम्बिएंट लाइट हमने इसके अंदर यहाँ पे इंस्टॉल की है पूरी ग्लोलाई में, पूरी देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगेन हमारे यहाँ पे भी लेदर का काम हुआ है, उसके बाद अगेन ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी पूरा प्रॉपर वुडन का काम किया हुआ है, और इसके बाद अब थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, नीचे आएंगे तो यहाँ बोतल होल्डर है, इसके अंदर भी हमने जो लाइट लगाई हुई है वो दिख रहा होगा, और लाइट इसके अंदर भी है जो लॉक अनलॉक होता है ना, इसके अंदर भी लाइट इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, इसके बाद हम मूव करें गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही बेहतरीन जिसे कहते हैं वो होने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में कि अपना जो है ये रूफ थी, ये सॉफ्ट टॉप थी पहले, अब ये हार्ड टॉप में देख लो भाइयों किस तरीके का हमने इंटीरियर इसका रेडी कर दिया। ठीक है, और पूरा का पूरा डबल स्टिचेस के साथ आपको दिख रहा है रूफ ही। चलो स्टार्ट करते हैं हम इसके पहले डैशबोर्ड से। ठीक है, डैशबोर्ड की बात करूं तो डैशबोर्ड हमने पूरा यहां पे लेदर से रैप किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं पूरा डैशबोर्ड तरीके से। ठीक है, यहां पे सॉफ्ट टच वाला लेदर यहां पे इंस्टॉल्ड है, देख लो भाइयों पूरा अच्छे से काम हुआ है इसके अंदर, डबल स्टिचेस आपको दिख रही है फ्रंट पे। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने मीटर के ऊपर किया, स्टीयरिंग भी हमारा बहुत अच्छे से यहां पे पूरी तरह से सिलाई वलाई हो रखी है। ठीक है, और बीच में सेंटर में देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे भी हमने हाइड्रोटिप किया हुआ है, ये लेदर सॉफ्ट कोटिंग है। इस स्टीयरिंग में कम से कम तीन तरह के काम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक तो लेदर से रैप किया हुआ है, दूसरा लेदर सॉफ्ट कोटिंग की हुई है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये लेदर सॉफ्ट कोटिंग है। ठीक है, इसके बाद आप देख पाएंगे वुडन वर्क भी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ओके, इसके बाद हम स्विच करें हमारे फ्रंट पे, तो यहाँ पे आप फ्रेम देखिए फ्रेम पे, तो फ्रेम हमारा पूरा वुडन में है, यहाँ पे नीचे के ब्लोअर का पार्ट, कंसोल, पुलअप काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पे जो है हाइड्रोटिप वुडन किया हुआ है। उसके बाद हम बात करें ये कंसोल की, तो कंसोल हमने यहाँ पे किया हुआ है अपने लेदर सॉफ्ट कोटिंग, ये देखिए। ठीक है, अगेन अपना हमारा पूरा वुडन है, एम्बिएंट लाइट आपको सेंटर पे देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, इसके बाद हम आपको इस साइड का पोर्शन भी चेकआउट करवा देता हूँ, यहाँ पे भी स्टैंड इसको भी हमने पूरा वुडन में किया हुआ है, ऊपर भी यहाँ पे जो है लेदर सॉफ्ट टच पूरा इंटीरियर रेडी किया गया है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस टाइम पे आपको इंटीरियर कैसा लग रहा है। ओके, ये तो हो गई हमारे फ्रंट की बात। ठीक है, अब मैं आता हूँ रूफ पे, तो रूफ पे हमने पूरी यहाँ पे बर्फी स्टाइल बनाई हुई है, देख लीजिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, और रेयर भी रेडी किया गया सेम पैटर्न। ठीक है, क्योंकि देखो जैसा आप लोगों को पता था हार्ड टॉप नहीं था, सॉफ्ट टॉप था, तो हार्ड टॉप बनने के बाद भी जो है रूफ इतनी बढ़िया से बना दी गई है, पूरी बर्फी टिल आखिर तक बना दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद रेयर की बात करूँ तो रेयर पे हमने पहले इसके अंदर आर्मरेस्ट इंस्टॉल किया, देख लो भाइयों, जो कि साइड में टायर के ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है, फेंडर के ऊपर का पार्ट होता है, तो ये वैसे भी किसी यूज़ में नहीं होता है। इसके अंदर जो है यहाँ पे हमने जो है आर्मरेस्ट इंस्टॉल किया, जिसमें आपको चार्जिंग सॉकेट मिलती है, दो कप होल्डर मिलता है, इवन इसको आप उठाएंगे तो इसके अंदर आप सामान भी अपना रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई रेयर की बात, अब आते हैं अपनी सीट्स, जो कि भैया की हमेशा से कस्टमाइज़ की गई है, तो भैया की हमेशा से फेमस रहती है सीट्स, जो कि पूरी कस्टमाइज है, और गाड़ी का इंटीरियर हमें बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। नीचे देख पा रहे हो पूरा का पूरा 70 मैट्स हमने इसके अंदर इंस्टॉल की हुई है, जो कि हमारा
मैचिंग में है पूरा। सो ये तो होगी हमारी सारी सारी इसकी बात इंस्टॉलेशन की। आगे हम बात करें हमारे फ्लोरिंग की, तो फ्लोरिंग में हमारी पूरी यहाँ पे 70 मैट्स हमने यहाँ पे इंस्टॉल करे हैं जो कि रेयर के हैं। ये फ्रंट पे आप देख पा रहे हैं जहाँ मैं बैठा हुआ, पूरे 70 मैट्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड। गाड़ी का इंटीरियर इस टाइम पे एक नंबर लग रहा है, और आप लोगों का मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये इंटीरियर कैसा लगा, क्योंकि रूफ हमने चेंज करी, आप लोगों को पहले बता दिया मैंने। इंटीरियर एक नंबर है, एम्बियंट लाइट का तो बहुत ज़्यादा सुपर मामला लग रहा है यहाँ पे जिसे कहते हैं। और ये टच, ये जो कलर है, ये कलर थार के अंदर मतलब बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं डिसेंट वो लग रहा है, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद जो है आया है। चलिए सुबह, ये है अपनी थार 2021 जिसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करी, चाहे तो आउटसाइड में गाड़ी रैप होगी, वाइट सटन रैप होगी, चाहे तो सॉफ्ट टॉप को हार्ड टॉप बनाना हो, चाहे तो इंटीरियर इस तरीके का धमाकेदार इंटीरियर रेडी करना हो, तो आप लोगों को आना है कार हेवन अशोक विहार। ऑल दो इस तरीके की गाड़ी को रेडी करने में 3-4 दिन भैया को लग जाते हैं इजीली। और इसके इंटीरियर आप लोगों को अगर और ज़्यादा स्नैप्स फोटोज़ वगैरह देखनी है तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर सकते हो, उसके अंदर मैं जो है फोटोज़ भी डालता हूँ वीडियो लाइव होने के। ये तो होगी पूरी हमारी थार की बात, ठीक है, जिस थार को हमने पूरा वाइट अच्छे से रैप किया, ठीक है। तो वाइट सैटन रैप में आपने थार बहुत कम देखी होगी, मैं ये नहीं कह रहा, बट रेयर देखने के लिए मिलती है और अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। और वही अगर हम बात करें इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी इंस्पायर है आउटसाइड से, और सबसे मेजर काम जो गाड़ी के अंदर हुआ है इसका सॉफ्ट टॉप, ठीक है। गाड़ी परचेज की गई थी तो इसका जो पीछे का रूफ है वो थी सॉफ्ट टॉप, ठीक है। मतलब सॉफ्ट टॉप जिसको नहीं पता, मतलब एक सिंपल सुबह जो लेदर आता है आप लोगों ने देखा होगा, सिंपल लेदर टाइप का आता है प्लास्टिक, वो उसके रूफ पे लगा हुआ था। अब लेकिन अब हमने इसको जो है हार्ड टॉप बना दिया है, ठीक है। और हार्ड टॉप इसके हमने रूफ पे बहुत अच्छे से कस्टमाइज किया है जो आप लोगों ने वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है। सो इस तरीके के काम को कंप्लीट करने में हमको लगता है 3-4 दिन, और आप लोगों को आना का है, आप लोगों को आना है कार हेवन अशोक विहार न्यू दिल्ली, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप आ सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आपको लिखना है अपने गूगल मैप्स पे कार हेवन, आप डायरेक्ट हमारी लोकेशन पे ही आएंगे जो कि है अशोक विहार में। चलिए आज के लिए बस इतना ही था, अगर इनकेस अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मैं चलकर डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जरूर दबाया करो भाइयों, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको और वीडियोस की। और प्लीज़ लाइक जरूर किया करो, इससे पता लगता है कि आप लोगों का टेस्ट क्या और आपको इस तरीके की वीडियोस देखनी पसंद है, ठीक है। चलो मिलते हैं फ्यूचर में और वीडियोस पर, टिल देन।